जय हिंद फ्रेंड्स, मैं सर अमित केसरी एंड यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल लाइफ। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है। देखिए केवीए यानी कि केवीए या वीए या एमवीए, मेगा वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर में इसकी रेटिंग क्यों होती है, और मोटर की रेटिंग किलोवाट में क्यों होती है। केडब्ल्यू, किलोवाट, मेगावाट, वाट, ये मोटर की रेटिंग इसमें क्यों होती है, तो इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं डिटेल्स इसके बेसिक के साथ में। चलिए वीडियो बन रही है, देखिए पूरा लास्ट तक। तो सबसे पहले बेसिक ट्रांसफार्मर के बारे में हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है विच इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। मतलब कि फ्रीक्वेंसी लेवल इसमें चेंज नहीं होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी लेवल कॉन्स्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, बस जो वोल्टेज है वो स्टेप अप होता है या स्टेप डाउन होता है। सबसे बड़ा इंटरव्यू का एक सवाल आप सभी से पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है, किलो वोल्ट एम्पियर में या एमवीए में क्यों होती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए मतलब वोल्ट एम्पियर में क्यों होती है, ये सबसे बड़ा एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है। तो आप सभी को ये जवाब देना है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है। देखिए ट्रांसफार्मर का जो लॉस है वो डिपेंडिंग अपन मतलब दो लॉस होता है उसमें, ठीक है, कोर लॉस और कॉपर लॉस। ठीक है, कोर लॉस जो है वो डिपेंड होता है वोल्टेज पर, और कॉपर लॉस जो है वो डिपेंड होता है करंट पर। ठीक है, तो देखिए इसमें दोनों लॉस में मतलब कि जो कोर लॉस है उस पर डिपेंड हो गया वोल्टेज पे, और जो कॉपर लॉस है वो डिपेंड हो गया करंट पर। तो जो ट्रांसफार्मर का जो ओवरऑल लॉसेस है वो डिपेंड क्या चीज पे हो गया, वोल्टेज पर भी और करंट पर भी, यानी कि कोर लॉस पर और कॉपर लॉस पर। दोनों लॉस को हम जब मर्ज कर रहे हैं तो यानी कि वोल्टेज पर भी डिपेंड कर रहा है अपना ट्रांसफार्मर का ओवरऑल पावर लॉसेस है, और करंट पर भी डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए इसका देखिए वी पे भी और ए पर भी, तो इसलिए इसका जो रेटिंग है वो के वी ए यानी कि किलो वोल्ट एम्पियर, मेगा वोल्ट एम्पियर, एम वी ए में इसकी रेटिंग हम लोग डिनोट करते हैं इसका। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल, मोटर की रेटिंग किलोवाट में क्यों होती है, मेगावाट में क्यों होती है। देखिए मोटर की जो रेटिंग है वो किलोवाट में क्यों होती है, मेगावाट में क्यों होती है, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। तो इस पे आपको क्या जवाब देना है वो मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। चलिए देखिए मोटर क्या है, मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी क्या है यहाँ पर, मतलब कि जो मोटर है वो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर क्या है, रोटेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, मोटर का जो मेन काम होता है वो होता है रोटेशन प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर जो पावर रोटेशन प्रोवाइड करा रही है वो है एक्टिव पावर, यानी कि जो यहाँ पर एक्चुअल में रोटेशन प्रोवाइड करा रहा है वो है एक्टिव पावर। एक्चुअली में जो मोटर का जो मोटर पावर कंज्यूम करता है वो है एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर, यानी कि ये दोनों पावर को कंज्यूम करता है, लेकिन जो मोटर का एक्चुअली वर्क है, जो मोटर का जो मेनली वर्क है वो है रोटेशन प्रोवाइड कराना। यानी कि रोटेशन प्रोवाइड कराना है कि एक्टिव पावर से ही ये अपना रोटेशन प्रोवाइड कराता है, इसलिए इसकी रेटिंग जो है वो हम एक्टिव पावर के टर्म्स में ही डिनोट करते हैं, यानी कि वाट में, किलो वाट में ही डिनोट करते हैं। इसीलिए हम लोग मोटर की रेटिंग जो है वो किलो वाट में होती है। वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बताइए, और ऐसे ही इलेक्ट्रिकल से जुड़ी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।